हाथ में, पैरों में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज, वात रोग, घुटने कमर में दर्द 3 दिन में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नसों में सूजन, ब्लॉकेज, नसों में कमजोरी, मांसपेशियों में अकड़न की प्रॉब्लम क्यों होती है और हाथ और पैरों में सुन्नपन क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, साथ ही इसको दूर करने के उपाय भी बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे क्या कारण है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। आजकल तो मॉडर्न डॉक्टर भी यही कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शरीर 3 प्रकृति यानी 3 नेचर का होता है, वात, पित्त और कफ। किसी का वात ज्यादा होता है, किसी का पित्त ज्यादा होता है, तो किसी का कफ ज्यादा रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ, वह सारी प्रॉब्लम वात के कारण होती है। यह वात क्रिएट तब होता है जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, यानी कि अल्कलाइन बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है, एसिडिक इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, सिटिंग जॉब के कारण भी हो सकता है, डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज की कमी से हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, हाथ पैर हिलता डुलता नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या होता है, उस जगह पर सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। इसके अलावा भी इसके पीछे बहुत से कारण है। इनमें से सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल, डाइट पर ध्यान नहीं रहता, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, उठने का, सोने का, जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इस वजह से डेली रूटीन में कोई शारीरिक मेहनत नहीं हो पा रही, इस वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। अगर आप भी शरीर में इस तरह के होने वाले दर्द यानी नसों में सूजन, नसों में ब्लॉकेज, हाथ पैरों में सुन्नपन, जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। जैसे ही आप इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में आपको ये प्रॉब्लम खत्म होती लगेगी। इसके अलावा आपको करना क्या है, सोने से पहले 5 लीटर पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच फिटकड़ी डालनी है, इसे घोल लेना है। इसके बाद आपने दोनों पैरों को डिप करके रखना है, पानी थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए, पानी थोड़ा गुनगुना रहेगा तो और भी अच्छा होगा। अगर आप ऐसे रोजाना करते हैं तो जहाँ भी आपके दर्द है, सूजन है, वो जल्दी ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बरसात में या फिर ठंड में शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही कम हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती। तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो उस जगह पर, उस मसल पर रिलैक्स महसूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। जिनको भी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या रहती है, पिंडलियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है या फिर सुन्नपन की समस्या हो गई है, तो ये थेरेपी उनके लिए बेस्ट है। चलिए अब जानते हैं एक स्पेशल ऑयल के बारे में जिसको आपको रात को सोने से पहले फॉलो करना है। इसके लिए हम एक बर्तन को गैस पे रख देंगे और आंच को धीमा करके चालू कर लेंगे। इसमें हमने डालना है 6 चम्मच सरसों का तेल, फिर हमने 2 चम्मच अरंडी का तेल भी इसी के अंदर मिक्स कर देना है। अरंडी का तेल आपको आसपास की पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर इसमें हमने 1 चम्मच की मात्रा में जायफल का पाउडर मिक्स कर देना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा गर्म कर लीजिए। जायफल को जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 मिनट ही आपने धीमी आंच पर इसे पकाना है, इस तेल को भी और जायफल को भी। अब हम इस ऑयल को किसी कांच की शीशी में डाल लेंगे। आप चाहें तो ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा गुनगुना जरूर करें, तभी आपको 100% फायदा मिलेगा। आप इस ऑयल को रात को सोने से पहले जिस भी एरिया में आपको दर्द की शिकायत है, उस एरिया में मसाज करें। इसके साथ साथ आपने अपने पैरों के तलवों पर भी इसी तेल से मसाज करके जरूर सोना है। इस तरह से जब आप अपने पैरों के तलवों पर ऑयल अप्लाई करेंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। इसके अलावा रोजाना रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन कीजिए। दूध में हल्दी डालकर उसको बॉईल कर ले। आपने क्या करना है, गरम गरम दूध लेना है, उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर जो आता है वो मिक्स कर लेना है। फिर उसमें आपने 1 चुटकी जायफल का पाउडर मिक्स करना है।
इसके बाद आपने ऐसे ही गरम गरम ही रात को सोते टाइम इस दूध को पी लेना है। चाहे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस दूध को बहुत आराम से पी सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर में होने वाला वो दर्द गायब हो जाएगा, थकान कमजोरी दूर हो जाएगी, आपके पिंडलियों में या पैरों में होने वाला, एड़ियों में होने वाले दर्द की शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक हेल्थ ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको रोजाना सेवन करना है। ये आपके वात को कंट्रोल करेगा, एसिडिटी को कम करेगा, एल्कलाइन नेचर को बढ़ा देगा। इसके अलावा ये विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज ऐड करने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें न्यूट्रिशन से भरी हुई हैं। आइए जानते हैं इस हेल्थ ड्रिंक को कैसे तैयार करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोते टाइम एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच मेथी दाना डालकर भिगो देना है। अगली सुबह आपने एक बर्तन लेना है और रात को भिगोया हुआ मेथी दाना पानी सहित इस बर्तन में डाल देना है। अब हमने इसके अंदर एक चुटकी सौंठ का पाउडर डालना है, दो चुटकी हमने हल्दी पाउडर डालना है। सौंठ और हल्दी दोनों ही घर पर पीसी होनी चाहिए, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको इसमें एक चुटकी की मात्रा में काली मिर्च का पाउडर डालना है। काली मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन को ब्रेक डाउन करने में, हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए। आपको पानी पीने के साथ इस मेथी दाने को भी चबा चबा कर खाना है। आप इसे गुनगुना करके पी लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक चम्मच शहद मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम, मांसपेशी में होने वाले दर्द की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, कमर में दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसको आप गठिया वाई, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम और वो सभी लोग सेवन कर सकते हैं जिनकी बॉडी के अंदर वात ज्यादा बढ़ती है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, वो लोग भी इसे बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। इस रेमेडी को फॉलो करने के कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने इसकी मात्रा का ध्यान जरूर रखना है। बस इतना ध्यान रखिएगा इसके साथ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने शहद या किसी भी तरह का मीठा इसमें मिक्स नहीं करना। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।